आँख में एकदम आंसू हो जाता था, मतलब ऐसा हो जाता था सीन। अच्छा भाई YouTube में बैठ के पढ़ोगे ना तो उधर ज्यादा मजा आता है, क्योंकि उन लोग भाई एकदम परफेक्ट। सो हे गाइस, वेलकम इन माय चैनल, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो गाइस, अभी का सीन ऐसा हो रखा है कि भाई मैं अभी आ चुका हूँ स्कूल से, और मैंने भाई सुबेरे से व्लॉग नहीं किया था, क्योंकि गाइस मेरे पास था नहीं सुबेरे टाइम, मतलब लेट हो गया था स्कूल के लिए इसलिए। और कहते अभी सीन ऐसा हो रखा है कि भाई मैं स्कूल से आया ना भाई, तो उस समय मेरे आगे एक ट्रक चल रही थी, तो इस ट्रक ने इतना धूल उड़ाया कि भाई मेरे को, मैं भाई घर आके नहाया, तो मतलब ना मैं ऐसे करूँगा या सवेरे बना लूँगा या शाम को बना लूँगा, मतलब स्कूल से आई के पर एक बार नहाऊंगा। फिर क्या होता है भाई, अपन रोड पर जाते रहते, मतलब एकदम ट्रक व्रक चलती रहती, पूरा धूल उड़ता रहता है, धूल अगर आपको ऐसे दिखता नहीं भी है, ट्रक नहीं भी चलती आपके, फिर भी भाई मतलब काफ़ी ज़्यादा धूल मतलब लग जाता है चेहरे वहरे पर, तो वहाँ के मस्त नहाया, एकदम फ्रेश फ्रेश हो गया। और अभी सीन तो ऐसा ही हो रखा है कुछ, मैं तो चार लोग बता देता हूँ। और गाइस ऐसा है कि अभी अपना व्लॉग हो रहा होगा थोड़ा ऊपर नीचे, क्योंकि अभी मेरे पास कहीं ज़्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि पढ़ना वढ़ना भी है, बहुत सारा होमवर्क वोमवर्क भी करना है, स्कूल का भी काफ़ी सारा काम रहता है, तो वैसा भी सीन तो रखा था। और बात की भाई, अब मेरे को कराना था स्कूटी का वेल्डिंग, मतलब स्कूटी के जो पाइप होता है ना साइड में, वो सेफ गार्ड वाला जो भी पाइप होता है पतला पतला, वो उसका भाई मतलब टूट चुका है, तो उसको कराना है मेरे को वेल्डिंग। और इतनी अच्छी बात है गाइस, मतलब कल कराना था वेल्डिंग, और कल भी ये गैरेज नहीं खुला हमारे घर के जो बगल में, आज भी नहीं खुला, अब देखते हैं अगर कल खुल गया तो ठीक है, नहीं तो भाई मैं तो दूसरी जगह से वेल्डिंग करा लूँगा, मतलब एक मतलब आज भी करा लेता गाइस, लेकिन अभी मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, मतलब पढ़ने बैठना है, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि अभी नहीं कराऊँ, पता अगर टाइम होता तो मैं जाके भाई दूसरे गैरेज से ही वेल्डिंग करा लेता, क्योंकि गैरेज बंद है, तो अभी मेरे को समझ नहीं आ रहा है कब खुलेगा कब नहीं। और ये घर के जस्ट बगल में है गाइस हमारा घर, और ये बगल में गैरेज है, पर ये खुला नहीं है, तो अभी इसको क्या कर सकते हैं। वैसे एक और बात की भाई, मैं अपने स्कूल जाने का शेड्यूल भी बदल चुका हूँ, कि पहले मैं जाता था मतलब साइकिल से, अब मैं मम्मी को स्कूल छोड़ के फिर अपना स्कूल जाता हूँ। इससे क्या था मतलब साइकिल से, मतलब ना साइकिल थोड़ी छोटी पड़ रही थी, कुल मिला के बात यह है बोलने का मतलब। और तो भाई मैं सोचा साइकिल से कहाँ जाऊँ, इससे अच्छा मम्मी को स्कूल छोड़ा, फिर मैं अपने स्कूल गया, फिर मैं अपने स्कूल ख़त्म हुआ, मतलब छुट्टी हुई, उसके बाद फिर मम्मी स्कूल लेने चले गए, मतलब ऐसा शेड्यूल हो रखा है, इसलिए थोड़ा टाइम ना मतलब ज़्यादा लगता है। तो ऐसा भी सीन ऐसा ही था। और स्कूटी भाई चलाने में इतना आवाज़ कर रही है, तो उसको वेल्डिंग करानी ही पड़ेगा, देखते हैं कल, नहीं तो जो भी होगा आप लोगों को बताएंगे आगे यार, मतलब कल तो करा ही दूंगा इस वेल्डिंग, कुछ भी हो जाए कल। तो गाइस चलते हैं नीचे और करते हैं होमवर्क कंप्लीट, और मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर में, जब तक आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। सो गाइस अभी दूसरा दिन है अपने व्लॉग का, और मैं आप लोगों को बता रहा हूँ मैं सन ग्लास पहने क्यों हूँ, क्या था भाई, सन ग्लास में नहीं बोलता मैं, चश्मा ही बोलता हूँ शुद्ध भाषा अपनी हिंदी। फिर सीन क्या था कि मैं स्कूल जाता था, तो गाइस सामने से एकदम विंड ब्लास्ट एकदम ना भाई होती रहती थी आँख में, मतलब आँख जैसे सामने से कोई भी ट्रक व्रक निकलती थी ना, आँख में भाई एकदम धूल जल जाता था, आँख में एकदम आंसू वसू हो जाता था, मतलब ऐसा हो जाता था सीन। भाई मैं सोचा भाई एक सन ग्लास ले लेते हैं, कि ये भाई अपने काम भी आएगा, मतलब डेली यूज़ की चीज़ है, जब स्कूल जाते समय लगा लेंगे, और उसके बाद फिर निकाल देंगे। तो मैं अभी जस्ट लेके आया हूँ सन ग्लास, तो मैं पहन के देख रहा था थोड़ा, और मेरे पास अभी थोड़ा सा टाइम है, इसलिए मैं व्लॉग बना रहा हूँ गाइस। कल अब व्लॉग नहीं आया, मतलब आज सुबह व्लॉग 3 दिन लेट हो गया गाइस, कोई बात नहीं, अपना व्लॉग अब कंटिन्यू हो सकता है, आए पर अगर टाइम मिलेगा तभी कंटिन्यू आएगा। और गाइस एक और बात की भाई, किसी ने बोला था कि हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी रहना चाहिए, भाई एकदम करेक्ट बोला था, मैं सिर्फ हार्ड वर्क कर रहा था, स्मार्ट वर्क नहीं कर रहा था, पर अब से भाई अपना हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क दोनों चालू है, तो मतलब आप समझ रहे हो ना पढ़ाई किस लेवल पर जाने वाली है, मतलब समझ ही जाओ। तो गाइस अभी का सीन ऐसा हो रखा है, मेरे को भाई पूरा पैटर्न समझ आ गया पढ़ाई का, कहाँ से क्या पढ़ना है, उस समय भी मतलब एकदम बोलते ना ऊपर नीचे था थोड़ा, मतलब उतना समझ नहीं आता कहाँ से पढ़ना है क्या कैसे सीन। पर अभी अपने को मतलब यूट्यूब पे भाई काफ़ी अच्छे अच्छे वीडियो मिलते, मतलब स्कूल से आ जाओ, अच्छा भाई यूट्यूब में बैठ के पढ़ोगे ना तो उधर ज़्यादा मजा आता है, क्योंकि उन लोग भाई एकदम परफेक्ट समझाते हैं, हो सकता है आपके स्कूल के टीचर उतने अच्छे ना समझे, पर स्कूल के मतलब कई स्कूल में अच्छे भी समझाते हैं, पर वहाँ हम अपने स्कूल बता रहे हैं हमारे स्कूल में उतना अच्छा नहीं समझाते, इसलिए गाइस मैं भाई यूट्यूब में अपना देख लेता हूँ, तो उससे देख के मैं एकदम नेक्स्ट लेवल, मतलब पूरा एकदम वो हो जाता है, मतलब अब तो बन ही जाएगा वो, ऐसा वाला सीन हो जाता है। तो इधर का सीन कुछ ऐसा ही हो रखा है, और चश्मा कैसा रखा है कमेंट करके जरूर बताना। और भाई इससे लगाने के बाद स्मार्टनेस वाली फीलिंग है, मतलब जैसे स्मार्ट बन गया मैं, तो ऐसा ही कुछ सीन लग रहा है, बाकी ठीक है यार चश्मा तो ठीक ठाक सा है। तो इधर का सीन ऐसा है कि 1:30 और मैं स्कूल से आ चुके हुए थे, और ये अपना फिर से दूसरा दिन, मतलब 2-3 दिन हो गया फिर ब्लॉग बनाते हुए, एक ही ब्लॉग खींच रहा हूँ, क्योंकि मैंने बस ज़्यादा टाइम नहीं है। और गई जल्दी सीन ऐसा हो रहा है कि बाहर पानी में गिरने वाला मौसम हो चुका है, तो आते हैं आप लोग को बाहर का व्यू, पर उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो इधर टाइम हो रहा है रात के 9:40 और अपना पढ़ाई हो चुका है,